आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम अकेडमी पर जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई रिक्रूटमेंट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर 26 सितंबर 2024 को इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डायरेक्ट्रेड इन सीक्रेट असम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं जिसमें आपको इनवाइट किया गया है 19 सीटों पर और यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट का नेम मेंशन है असिस्टेंट डायरेक्टर इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर 19 सीटों पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्वाइट किया गया है इसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो क्या रखा गया है और इसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे यहाँ आप देख सकते हैं जो पे स्केल यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें आप लोगों का तीस हज़ार रुपये से लेकर एक लाख दस हज़ार रुपये तक की सैलरी है ग्रेड पे यहाँ पर आपको तेरह हज़ार नौ सौ प्रोवाइड कराए जाएंगे और बैंड बे यहाँ पर आपका फोर का बनेगा इक्कीस साल से लेकर अड़तीस साल तक के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर वो इस में दिए गए इंट्रेक्शन या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लीड कर रहा है तो वो एलिजिबल रहेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है उसमें फ़ाइव इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एस सी एस टी कैटेगरीज़ को और थ्री ईयर्स का रिलैक्सेशन ओ बी सी एम ओ बी सी कैंडिडेट को यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर पी डब्ल्यू बी डी के कैंडिडेट को भी प्रोवाइड कराए गए हैं तो आप जो भी कैटेगरी से हैं यहाँ पर इस एज रिलैक्सेशन के ऑप्शन में इसे चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगे गए हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पोस्ट फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ कैरिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डिपार्टमेंट से यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगे गए हैं क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है 55 परसेंट मार्क्स के साथ आपका मास्टर्स हो ह्यूमिटीज़ में सोशल साइंस में साइंस में साइकोलॉजी में तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए और साथ ही साथ एम आपका 55 परसेंट मार्क्स के साथ पास आउट आप हैं तो आप इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको को नीचे दिया गया जो क्वालिफिकेशन है ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है जिसमें मास्टर्स आपका एजुकेशन में फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ पास आउट मांगा गया है बी एड आपका फिफ्टी फाइव परसेंट से मांगा गया है नेट एड स्लेट या फिर आपकी पी एच डी मांगी गई है तो आपके पास दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन रहेगा आप एलिजिबल रहेंगे अगला जो पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स से है दो सीटें हैं जिसमें आप लोगों को टोटल यहाँ देख सकते हैं दो सीटों पर अप्लीकेशन करने के लिए इन्वाइट किया गया यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री मांगी गई है इन्वायरमेंटल साइंस में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी सब्जेक्ट से आपने फिफ्टी फ़ाइव परसेंट मार्क्स के साथ भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया हुआ है आप एलिजिबल हैं या फिर आपके पास एम है फिफ्टी फ़ाइव परसेंट मार्क्स के साथ आप पास आउट हैं अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ नीचे दिया गया क्वालिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है जिसमें एम आपका एजुकेशन से 55 परसेंट मार्क्स के साथ बी आपका 55 परसेंट मार्क्स के साथ नेट स्लेट या फिर पी आप लोगों के पास है आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एंड पॉपुलेशन एजुकेशन में एक सीट पर अप्लीकेशन मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन सेम है मास्टर्स हो बी एड हो एम एड हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पास नेट हो पी एच डी हो कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स के पास मास्टर्स के बाद तो आप एलिजिबल रहेंगे सभी पोस्ट पर सेम क्वालिफ़िकेशन मांगे जा रहे हैं इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज में चार सीटें हैं जिसमें एसमीज़ बोडो बेंगोली और इंग्लिश के लिए सीटें निकल कर आई हुई हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेम क्वालिफ़िकेशन इसमें भी रखा गया है अगला जो रिक्रूटमेंट हमारा मांगा जा रहा है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन से निकल कर आया हुआ है टोटल एक सीटें हैं यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही मांगे जा रहे हैं इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड वैकेशनल एजुकेशन में अप्लीकेशन मांगे गए हैं जिसमें डिपार्टमेंट में मांगे गए हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी रखा गया है अगला जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फ़िजिकल एजुकेशन के लिए निकल कर आया हुआ है जिसमें सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी रखा गया है उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन के लिए एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ़ प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च सर्वे एंड असमेंट असाइनमेंट में यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में दो सीटों पर अप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ़ प्लानिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप अकेडमी के लिए एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगे गए हैं अगला जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है एक पोस्ट यहाँ पर भी रखा गया है अगला पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम मॉनिटरी एग्जामिनेशन एंड ईवेलुएशन से एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगा गया है कुल टोटल यहाँ पर चौदह डिपार्टमेंट है जहाँ से उन्नीस सीटों पर अप्लीकेशन मांगा गया है क्वालिफिकेशन में सिर्फ मास्टर्स बैचलर्स मास्टर्स और बी एड एम एड के साथ साथ नेट स्लेट कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपका मास्टर्स के बाद है तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए और यहाँ पर फॉर्म अप्लीकेंट करने वाले जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ आप देख सकते हैं अप्लीकेशन आपका चार अक्टूबर से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा क्लोजिंग की टाइमिंग जो है था नवंबर 2024 का डेट रखा गया और लास्ट डेट जो फीस पेमेंट का है वो पाँच नवंबर 2024 का डेट यहां पर मेंशन किया गया है तो जो भी इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए दो सौ सत्तानवे रुपये बीस पैसा अप्लीकेशन फ़ीस है एस सी एस टी ओ बी सी एम ओ बी सी के लिए एक सौ सत्तानबे दशमलव बीस पैसे यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ीस है वहीं बी पी एल कार्ड धारक को सैंतालीस रुपये बीस पैसे और पी डब्ल्यू डी के लिए भी सैंतालीस रुपये बीस रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है इस वीडियो में इतना ही इस तरीके के और भी इंफॉमेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच